प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामविलास जी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा यादव जी, करनाल विधानसभा के उम्मीदवार श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इस रैली के संयोजक श्री चंद्र प्रकाश कथुरिया जी, जिला अध्यक्ष करनाल श्री अशोक सुखीजा जी, पानीपत के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी, गोरंदा विधानसभा के उम्मीदवार श्री हरविंद्र कल्याण जी, असंग विधानसभा के उम्मीदवार सरदार बख्शी सिंह जी, नीलावखेड़ी विधानसभा के उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री विधानसभा के उम्मीदवार श्री कर्णदेव जी कंबोज, पानीपत विधानसभा के उम्मीदवार श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी, पानीपत ग्रामीण विधानसभा के उम्मीदवार श्री महिपाल ढांडा जी, इसराना विधानसभा के उम्मीदवार कृष्ण पवार, समालखा विधानसभा के उम्मीदवार शशिकांत कौशिक जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी और हरियाणा के प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव अभियान चल रहा है। कल विजयादशमी का पावन पर्व मना करके मैं भी आज आपके बीच आया हूं। और अभियान का प्रारंभ मैं हरियाणा से कर रहा हूं। दानवीर कर्ण की भूमि से कर रहा हूं, जिस धरती पर गीता का संदेश सुनाया गया उस धरती से कर रहा हूं। महाभारत का जो युद्ध जो सत्य के विजय के साथ जुड़ा हुआ है, उस भूमि से मैं आज अपना आरंभ कर रहा हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि जब मैं हरियाणा आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया हूं, अपनों के बीच आया हूं। क्यों, यही धरती है जिसने मेरा लालन पालन किया, मुझे बड़ा बनाया, यहीं से मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, राजनीतिक जीवन के पाठ हरियाणा की धरती से पढ़े। और ये वो भूमि है जहां पर गुजरात का एक संतान स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे हरियाणा में प्रकाश फैलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, ये चुनाव हरियाणा के भाग्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है।
आपके पड़ोस में मैं बैठा हूं, आप ही का हूं और आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मुझे अगर आप तक पहुंचना है तो बीच में कोई रुकावट आनी चाहिए क्या? बीच में कोई फाटक बंद होनी चाहिए क्या? बीच में कोई बम्प होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना? आप चाहते हैं ना मैं सीधा सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। अगर कोई और होंगे तो पता नहीं कितनी फाटकें बंद हो जाएगी, कितने बम्प लग जाएंगे। मैंने कहा था मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाना है, क्या हरियाणा का कर्ज चुकाने के लिए मुझे आप सही व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे? हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नौजवान दोस्तों, आप तय कीजिए, आपके मां बाप को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप भी वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो क्या? आप बदलाव चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आपके गांव गली मोहल्लों में सुख चाहते हो? आपके नगर में सुख चाहते हो? तो फिर हरियाणा में बदलाव जरूरी है। आजादी के 60 साल हो गए, भाइयों बहनों, जो लोग 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए भैया, ये कैलाश मानसरोवर जब कांग्रेस की सरकार थी तब था कि नहीं था? कैलाश मानसरोवर था कि नहीं था? लेकिन वहां यात्रा पर जाना कितना कठिन था, अनेक लोग मरते थे, यात्री मौत को मुट्ठी में लेकर के जाना पड़ता था, और संख्या भी बहुत सीमित थी, और बड़ी आयु वाली व्यक्ति के लिए तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा संभव ही नहीं थी। जो काम 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने इतने कम समय में कैलाश जाने का दूसरा रास्ता चीन से खुलवा दिया। हम चीन को समझाने में सफल हुए, और अब बाय रोड गाड़ी में बैठ के आप आराम से कैलाश की यात्रा करके आ सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मुझे बताइए भैया, चुनाव के लिए झूठ बोलना जरूरी है क्या? किसने किया, कब किया, कौन लोग गुनहगार हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है।